हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ सक्सेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं जैक बोर्ड द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया है 2021-22 परीक्षा के लिए। इसके सारे सॉल्यूशंस को देखेंगे और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से डील करेंगे। इस वीडियो में हम सेट 5 को देखेंगे। देखिए, ये क्लास 10th के लिए है, सब्जेक्ट ये साइंस है, समय आपको 1.5 घंटा दिया जाता है, टोटल 40 नंबर का है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, अगर आपने लाइट या लेजर लाइट को यूज किया होगा तो आप देखे होंगे कि उसकी जो प्रकाश होती है एक सीधी डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, सरल रेखा में जाती है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, परावर्तन के नियम लागू होते हैं। परावर्तन के नियम कहाँ लागू होते हैं, केवल समतल दर्पण पर, केवल अवतल दर्पण पर, केवल उत्तल दर्पण पर, सभी परावर्तक पृष्ठों पर। तो ये हो जाएगा आपका, सभी परावर्तक पृष्ठों पर लागू होते हैं आपके परावर्तन के नियम। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, यानी कि जो गोलीय दर्पण होते हैं उसकी जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो जैसा कि आप जानते हैं f इक्वल टू r बाई टू होता है। ठीक है, यानी कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी पूछ रहा है, तो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, तो ये हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 का आधा 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर होती है तो प्रतिबिंब जो है आपका बनेगा कहाँ, सी पर बनेगा। ठीक है, सी पर स्थित रहता है तो सी पर ही बनता है इमेज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब होता है। तो देखिए, अवतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो दो तरह से बनता है, एक आभासी बनता है और एक वास्तविक बनता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो वाहन होते हैं, गाड़ी होते हैं, ठीक है, व्हीकल्स होते हैं, उसके पश्च दृश्य यानी कि पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और परवलयिक दर्पण। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। ठीक है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पिछले सेट में भी पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, सोलर कुकर में जो दर्पण का उपयोग किया जाता है वो होता है आपका अवतल दर्पण। देखिए, अवतल दर्पण का एक गुण होता है कि समांतर आने वाली किरणों को ये एक जगह जमा कर देता है। ठीक है, इसलिए सोलर कुकर में इसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, दर्पण और लेंस समभुजा होंगे, यानी कि जो दर्पण और लेंस है वो दोनों किस तरह के होंगे। ठीक है, तो दोनों अवतल होंगे, क्योंकि माइनस साइन उसी में होता है, ये जो फोकस दूरी है वो माइनस में दिया हुआ है, तो माइनस जो होता है आपका अवतल लेंस और अवतल दर्पण में होता है। ठीक है, अवतल दर्पण और अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो आपका माइनस में होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, किसी लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस दूरी F में क्या संबंध है, यानी कि लेंस की क्षमता P और फोकस दूरी में आपको संबंध बताना है। तो देखिए, जो P होता है वो 1/F के इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि पावर ऑफ लेंस 1/F के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, ऑप्शन ए में ये आंसर दिया हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा P इक्वल टू 1/F। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो P है वो लेंस की क्षमता होती है। ठीक है, और ये जो F है ये आपका मीटर में रहता है। ठीक है, P इक्वल टू 1/F इन मीटर, ये जो F है आपका फोकस दूरी, वो आपका मीटर में रहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, लेंस का आवर्धन का व्यंजक लिखे। ठीक है, तो लेंस का आवर्धन का सूत्र क्या होता है, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, M इक्वल टू वी बाई यू होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, सामान्य दृष्टि के व्यस्त के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग, तो ये होता है आपका लगभग 25 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है, या 25 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए कितना आसान आसान सवाल दिया हुआ है, बहुत ही आसान आसान सवाल है, आप अच्छे से इसे पढ़ के जाइएगा। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये सारा का सारा क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बुक से दिया हुआ है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन को ट्विस्ट किया है, थोड़ा सा लैंग्वेज को बदल के लिखा है, लेकिन ये सारा के सारा क्वेश्चन आसान है। ठीक है, आप अच्छे से इसको केयरफुली पढ़ के जाए, आपका अच्छा मार्क्स आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, नेत्र के द्वारा जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी कि हमारी आंखों के रेटिना में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, हमारी आंखों में जो होता है लेंस वो उत्तल लेंस होता है। ठीक है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14,
निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है? तो देखिए, ये अभिक्रिया होती है जब आपस में आयनों का आदान प्रदान होता है या परमाणुओं का आदान प्रदान होता है, तो इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, बहुत आसान सा सवाल है ये, आपका चैप्टर वन का है, केमिस्ट्री का चैप्टर वन का, वहां से ये क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है? तो जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको जो हम लोग बैलेंस करते हैं यानी कि संतुलित करते हैं, उसको संतुलित करने का नियम क्या है, यानी कि किस आधार पर उसको संतुलित किया जाता है? तो देखते हैं ना कि हम लोग संतुलित जब करते हैं तो दोनों तरफ यानी कि LHS साइड और RHS साइड उसके परमाणुओं की संख्या को गिनते हैं, यानी कि वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, देखिए कितना आसान सा सवाल है, ये भी आपका केमिस्ट्री का चैप्टर वन से दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, उपचयन में, देखिए उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। बिल्कुल सही जवाब, यही है आपका आंसर। ठीक है, उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन उसमें ऐड होता है, यानी कि ऑक्सीजन वृद्धि होता है, यानी कि कोई भी कंपाउंड है या कोई भी एलिमेंट है उसमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आकर के ऐड हो जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है। ठीक है, कोई पदार्थ एक्स है उसके विलयन का उपयोग सफेदी करने में, यानी कि वो जो पोचाड़ा होता है, ठीक है, दीवार को कलर करने में उसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो एक्स का नाम बताना है आपको, तो एक्स पदार्थ क्या है। ठीक है, यहाँ विलयन का नाम नहीं पूछा है, यहाँ पे एक्स पदार्थ का नाम पूछा है, उस पदार्थ को क्या कहते हैं, तो आपका हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है CaO। ठीक है, इसे हम लोग चूना भी बोलते हैं और इसका इस्तेमाल सफेदी करने में किया जाता है, यानी कि दीवार की सफेदी करने में, यानी कि उसको कलर करने में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? तो देखिए, जो धातु के ऑक्साइड होते हैं वे क्षारीय होते हैं। ठीक है, तो आप देखिए इसमें क्षारीय ऑप्शन दिया है, देखिए बिल्कुल सही बी है आपका आंसर इसका। ठीक है, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। और अगर आपको सवाल पूछेगा कि अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो आप लिख दीजिएगा अम्लीय। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, दिया गया चित्र क्या दर्शाता है? तो देखिए, यहाँ पर एक फिगर दिखाया गया है जिसमें कि ये दिखाया गया है कि कोई यहाँ पे मेटल है या कोई धातु है, वहां पे कोई लिक्विड गिर रहा है, और यहाँ पे देखिए एक गड्ढा टाइप से हो जा रहा है, यानी कि ये खराब हो रहा है, और यहाँ पर देखिए ये जो हथेली में गिर रहा है तो यहाँ पर भी ये जला दे रहा है, यानी कि इसको गला दे रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, देखिए ये जो चित्र है आपका एसिड वगैरह में दिया जाता है, जो केमिकल्स होते हैं एसिड या बेस, जो सांद्र एसिड या कंसंट्रेटेड एसिड होते हैं या क्षारक होते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है फिगर का। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। ए में है जल की बर्बादी को रोका जाए, नहीं, यहाँ तो एसिड की बात हो रही है ना, मैं अभी बताया। बी में क्या दिया है, सांद्र अम्ल क्षारक वाले बर्तन में लगा चेतावनी, बिल्कुल सही, ये है आपका आंसर। ठीक है, जो सांद्र अम्ल या क्षारक वाले बर्तन होते हैं उसमें चेतावनी के रूप में ये वाला फोटो का यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे है धूम्रपान से बचे, नहीं, इसमें नहीं। ऑप्शन डी में क्या दिया है, भोजन करने से पहले हाथ धोना चाहिए, नहीं, ये भी नहीं। तो ये है 19 का ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, क्षारक जल में घुलकर कौन सा आयन प्रदान करता है? तो देखिए, क्षारक जब जल में घुलता है तो वो हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ठीक है, यानी कि OH- आयन। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन बी आपका सही है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए सारे कंसेप्ट को ये क्लियर कर देगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये आपको सिर्फ क्वेश्चन दिया है, इसमें पूरा बुक का निचोड़ है। ठीक है, ये जो सेट है आपके पूरे बुक का निचोड़ इसमें दिया हुआ है, आप इसे अच्छे से पढ़िएगा तो आपको सारे छोटे छोटे डाउट्स और कंसेप्ट जो है वो क्लियर होते जाएंगे। आप बिल्कुल अच्छे से पढ़े इसको, इस सेट को बहुत ही ध्यान से पढ़े, आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 21, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालती है? तो देखिए, अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करती है बच्चों, तो निकलता है वहां पे हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आपने रिएक्शन जरूर पढ़ा होगा, ये चैप्टर 2 से क्वेश्चन उठा हुआ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, क्लोर क्षार प्रक्रम से किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो देखिए, क्लोर क्षार प्रक्रम से आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, क्योंकि वो एक क्षारक है, और साथ ही साथ इसमें क्लोरीन का भी निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन ए में सही दिया हुआ है आंसर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका एक क्षारक है और साथ ही साथ इसमें क्या निर्माण होता है, क्लोरीन का। इस कारण से इसका जो नाम पड़ा है क्लोर क्षार, यानी कि क्लोरीन भी है इसमें और क्षार यानी कि क्षारक, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या है, क्षारक है। तो क्वेश्चन 22 का आंसर हो जाएगा आपका ए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये आपका क्या है, क्षारक है।
चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। एक पदार्थ है जो जल में घुलनशील है, देखिए कोई पदार्थ है जो कि जल में क्या है, घुलनशील है, यानी कि उसमें डिजोल्व हो जाता है, स्वाद में कड़वा है, और स्वाद में कैसा है वो, कड़वा है, स्पर्श उस साबुन की तरह है, और जब आप उसे छुएगा तो कैसा महसूस होगा, साबुन की तरह चिकना, ठीक है, तथा प्रकृति संचारक है, यानी कि अगर वो किसी चीज पे वो गिरता है तो उसे संचारित कर देता है, यानी कि उसको खराब कर देता है, उसमें जंग लगा देता है, इस टाइप की उसकी प्रकृति है, ठीक है। तो वह पदार्थ क्या होगा, तो देखिए वह पदार्थ होगा आपका क्षारक होगा, ठीक है, क्योंकि क्षारक में ऐसी प्रकृति होती है कि वो जल में घुलनशील भी होता है, स्वाद में कड़वा भी होता है, और वो साबुन की तरह चिपचिपा भी होता है ना, चिकना होता है, और उसकी प्रकृति कैसी होती है, संक्षारक होती है, तो आपका हो जाएगा क्षारक, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में किस पीएच मान वाले वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं, तो देखिए अम्लीय वर्षा जो होता है उसका पीएच मान 5 या 5 से कम होता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में सही है आंसर, यानी कि 24 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन। किसी अभिक्रिया में गैस निकल रही है, उसके पास जलती हुई तिल्ली ले जाया जाता है, जलती हुई तिल्ली ले जाया जाता है, या फिर मोमबत्ती बोल सकते हैं, ठीक है, गैस फट फट की ध्वनि के साथ जलती है, वह गैस कौन सा है, यानी कि यहाँ पर देखिए कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और उस अभिक्रिया से क्या हो रही है, गैस निकल रही है, उस गैस के पास जलती हुई मोमबत्ती को या जलती हुई तिल्ली को ले जाया जाता है, तो वह फट फट की ध्वनि के साथ जलती है, तो वह गैस कौन सा होगा, तो देखिए ये गैस होता है हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस वहां से निकलता है तो ये फट फट की ध्वनि के साथ जलता है, ठीक है, पॉप साउंड के साथ, ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका, 25 का आंसर सी है आपका। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन 26 क्या कहता है। रासायनिक अभिक्रिया में होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन, बिल्कुल सही, रंग में परिवर्तन, ये भी होता है, गैस का उत्सर्जन, बिल्कुल ये भी होता है, उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये सभी प्रक्रम होते हैं किसमें, रासायनिक अभिक्रिया में, सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, तो देखिए भोजन का अवशोषण होता है आपका छोटी आंत में, ठीक है, जो छोटी आंत होती है मानव शरीर की, उसमें आपका भोजन का अवशोषण होता है, ठीक है, बड़ी आंत में आपका जल का अवशोषण होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है। रक्त वाहिकाएं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है क्या कहलाती है। देखिए रक्त वाहिकाएं यानी कि जो रक्त है जिसमें रक्त फ्लो करता है वो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक, यानी कि रुधिर को हृदय मतलब होता है यहाँ पे दिल, हमारा जो ह्यूमन हार्ट होता है वो, तो यहाँ से शरीर के विभिन्न भागों तक ब्लड को यानी कि रक्त को यानी कि रुधिर को ले जाती है, तो वह क्या कहलाता है या उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं धमनी, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, धमनी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। कोई अंग कट जाने पर रुधिर का थक्का बनाने में कौन मदद करता है, क्या कहता है क्वेश्चन। कोई अंग है जो कि कट जाता है या कट जाने पर जब रक्त का बहाव होता है यानी कि ब्लड जब वहां से बहने लगता है तो रुधिर का थक्का यानी कि ब्लड का जो थक्का जमाता है या बनाता है तो उसमें कौन मदद करता है, तो वो करता है आपका प्लेटलेट्स, ठीक है, यानी कि जो प्लेटलेट्स होते हैं वो शरीर के कटे हुए अंग के आसपास खून का थक्का यानी कि रुधिर का थक्का बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है। पादप के वायवीय भाग द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाता है, ठीक है, या क्या कहलाती है, तो ये कहलाता है आपका वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की हानि होती है किसी भी पादप में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण जो होता है यानी कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है उसमें आपका मुख्य रूप से ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं होगा, जल जल भी निकलता है, पर यहाँ पर पूछ रहा मुख्य उत्पाद क्या है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि ये अधिक मात्रा में निकलता है और यहाँ पे पूछ रहा है कि मुख्य उत्पाद क्या है, तो ये मुख्य उत्पाद होता है आपका ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है। आमाशय की आंतरिक स्तर का अम्ल से रक्षा किसके द्वारा होता है, यानी कि हमारा जो पेट होता है, हमारा जो आमाशय होता है उसके आंतरिक स्तर का अम्ल से रक्षा किसके द्वारा किया जाता है, तो देखिए जो श्लेष्मा होता है उसके द्वारा रक्षा किया जाता है, तो देखिए इसमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है श्लेष्मा, श्लेष्मा के द्वारा आमाशय की जो आंतरिक स्तर होती है उसे अम्ल से सुरक्षा प्रदान किया जाता है, श्लेष्मा एक लेयर बना देता है पेट के चारों तरफ, ठीक है, जिससे कि एसिड यानी कि अम्ल का जो प्रभाव होता है वो नहीं होता है, ठीक है, हमारे पेट के दीवार पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है। निम्नलिखित में
किस जीव का क्षुद्रांश सबसे लंबा होता है? तो देखिए, क्षुद्रांश मतलब होता है छोटी आंत, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो किस जीव में सबसे लंबा होता है छोटी आंत, ठीक है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखिए, जो शाकाहारी जीव होते हैं उसके जो छोटी आंत होती है, यानी कि जो क्षुद्रांश होती है, वो बहुत ही लंबी होती है, ठीक है, शाकाहारी जीव में। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दिया है ए में, मनुष्य। मनुष्य तो आपका शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होता है, ठीक है। कुत्ता भी आपका यही होता है, शाकाहारी मांसाहारी। गाय, गाय आपका शाकाहारी होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका मांसाहारी नहीं होता है, ये शाकाहारी जीव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 33 का आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। गाय, गाय में जो छोटी आंत होती है यानी क्षुद्रांश होती है, वो सबसे लंबी होती है, ठीक है, क्योंकि गाय एक शाकाहारी जीव है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? तो अमीबा में जो आपका जनन होता है वो आपका होता है द्विखंडन के कारण, ठीक है। तो एक अमीबा क्या करता है, वो अपने केंद्रक को बड़ा करता है और धीरे धीरे उसको दो टुकड़े में बांट देता है और फिर से नया जीव यानी कि नया अमीबा वहां पे जन्म ले लेता है। तो अमीबा में आपका कैसा जनन होता है, वे द्विखंडन के कारण जनन करते हैं, ठीक है, द्विखंडन विधि से। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, पर्तन कलम रोपण इत्यादि किस प्रकार की जनन की विधि है? तो पर्तन कलम रोपण किस प्रकार की जनन विधि होती है, तो वो होती है आपकी कायिक परिवर्तन, ठीक है, कायिक परिवर्तन के कारण पर्तन कलम रोपण होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन पादप का मादा जनन अंग के भाग है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें आपको पता करना है कि पादप का यानी कि प्लांट का जो मादा जनन अंग, ठीक है, या जनन का जो भाग होता है वो कौन सा है? तो ये है आपका अंडाशय, ठीक है, तंतु, पुंकेसर, परागकोष, ये सब पादप का नर का जनन भाग है, लेकिन अंडाशय जो है वो मादा जनन अंग है, किसका? पादप का, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचरण रोग है? तो देखिए, लैंगिक संचरण रोग कौन है, गोनोरिया, ठीक है, गोनोरिया आपका कैसा रोग है, लैंगिक संचरण रोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो शुक्राणु आपके वृषण में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, क्या है, तापीय विद्युत संयंत्र में, यानी कि जो तापीय विद्युत संयंत्र होते हैं उसमें क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, तापीय की बात कर रही है ना, तो यहाँ देखिए, तापीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है, ठीक है, यानी कि जो हीट एनर्जी होगी तापीय, यानी कि उसमें ऊर्जा जो भी है, ये किसमें हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगा, यानी कि कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, ये इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, गोबर गैस को अन्य किस नाम से जाना जाता है, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो गोबर गैस होता है उसको और कौन से नाम से जाने जाते हैं, सीएनजी, एलपीजी, जैव गैस, CO2, ठीक है। तो यहाँ पे इसे हम जानते हैं जैव गैस के नाम से, ठीक है, जो गोबर गैस होता है उसका अन्य नाम क्या है, जैव गैस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस सेट में हमने 40 के 40 क्वेश्चन सभी को डील कर दिए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ा हूँ, जो कि आपका आंसर हमें कमेंट में देना है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ मैं, ठीक है, तो आप इन सभी को अच्छे से पढ़ लें, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आप अच्छे से इसको पढ़ें और अच्छे से इसका तैयारी करें, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैक के द्वारा खुद सेलेक्ट करके मॉडल सेट में ये दिया गया है, आप इससे तैयारी करिए। और इसके साथ साथ आप अच्छे से बुक को भी रीड करें, क्योंकि बुक में इसका पूरा निचोड़ है, बुक आपका एक समुंदर है और ये उसका एक चुना हुआ मोती है, ठीक है। तो आप इसकी तैयारी अच्छे से करें, आपको बुक प्रॉपर पढ़ना होगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बीच बीच से निकाले गए हैं। तो आप अगर बुक का कंसेप्ट लेके चलते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे, ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन में एक खास बात देखी है कि इस क्वेश्चन में ज्यादातर क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि इसमें रिपीट हो रहा है तो क्वेश्चन अच्छा नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से पेशेंस के साथ पढ़ना है, ठीक है, और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से डील करें, हर एक का रीजन को आप जरूर दिमाग में रखें, क्योंकि बिना रीजन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन का रीजन को आप जरूर पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा बुक को टाइम दें, ठीक है। इस सेट के साथ साथ आप बुक से भी तैयारी करें, उसमें जो इनटेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं, ठीक है, बीच बीच में जो पढ़ने के बाद कुछ टॉपिक के बाद जो क्वेश्चन आते हैं उसको आप डील करें, उसके बाद जो अभ्यास के जो क्वेश्चन होते हैं उसको बनाएं, ठीक है। और वहां पे जो सारांश दिया हुआ रहता है, यानी कि बुक में जब चैप्टर खत्म होता है तो वहां आखिरी में आपको दिया रहता है आपने क्या सीखा, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहता है जो कि पूरे चैप्टर का निचोड़ रहता है उसमें, तो आप उसको भी अच्छे से पढ़े,
पूरे बुक को ध्यान से पढ़ें और सेट की तैयारी करें, तभी आपको प्रॉपर क्वेश्चंस बन पाएंगे। आप 40 में से 40 क्वेश्चंस बना पाओगे, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में अगर आपको टारगेट करना है 100 out of 100, तो आपको सारे क्वेश्चंस बनाने आने चाहिए। आपकी तैयारी इतनी बेहतर होनी चाहिए कि आप उतने ही समय में या उससे कम समय में सारे क्वेश्चंस को डील कर ले, तभी आपका मार्क्स अच्छा आएगा, ठीक है। आप 90+, 95+, ठीक है, आप ला पाओगे, वरना ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हो तो आपको तो वो नंबर कटेगा ही कटेगा, इसलिए आपको तैयारी अच्छे से करनी है, ठीक है। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका रिजल्ट बेहतर हो, आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को करें और एग्जाम की तैयारी प्रॉपर करें और अच्छे मार्क्स लाएं, ठीक है। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, इंडिया का नाम हमें टॉप पे ले जाना है, तो आप अपने पढ़ाई को बहुत ही ईमानदारी से पढ़ें, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।